अच्छा पंडित जी, पिता ने तो शुरुआती दिनों का जो संगीत है आपका वो सिखाया आपको, लेकिन उनके उनसे उनसे जब उनके बाद कौन कौन से लोग रहे जो आपके गुरु रहे और जिन्होंने आपकी संगीत साधना को और आपके संगीत के सफर को आगे बढ़ाया? क्या होता है कि वो एक स्टेज के बाद में सीखना इस अर्थ में कम हो जाता है कि वो समझ में आने लग गई अब चीज़ें, अब उसको साधना है, आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया, अब मटेरियल तो हो गया, अब बिल्डिंग आप बनानी है, आपको खुद बनानी पड़ेगी बिल्डिंग। तो मेरे पास में बहुत संगीत का खजाना आ गया मेरे पास में, समझिए, अब उसको कैसे उस पर परफेक्शन लाना, साज पे कैसे कंट्रोल लाना, जो जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी नॉलेज है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे, उसका माध्यम से कैसे होगा, ये सवाल हो जाता है। तो खैर 1983 में मैं पंडित रविशंकर जी का शागिर्द बना, गंडा बांधा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम तो ऑलरेडी फेमस हो, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, तुमको बनने की ज़रूरत नहीं है शिष्य। मैंने ये कहा कि नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो सरेंडर करना चाहता है किसी को, और वो आपसे बढ़ के मुझे दुनिया में कोई मिला नहीं, आप ही गुरु हैं, ऐसा करके उनसे कहना। पंडित रविशंकर जी का आप नाम ले रहे हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय क्यों बल्कि कहें कि विश्व में संगीत का जो क्षेत्र है उसमें जो उनका मुकाम है वो बहुत अलग है, बहुत खास है। उनकी कही कोई बात, उनकी कही कोई तारीफ जो उन्होंने आपके लिए की हो, जो आपको याद आती हो, जब उन्होंने कहा हो कि हाँ आज मुझे फख्र हो रहा है कि मैं विश्वमोहन भट्ट को सिखाता हूँ। उन्होंने पीठ थपथपाई थी, वैसे तो कई बार थपथपाई थी, लेकिन विशेष रूप से मेरी पीठ उस समय थपथपाई थी जब मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला था 94 में, क्योंकि उनके बाद में अगर 71 के बाद में अगर किसी को मिला तो वो मेरा था नंबर। तो उन्होंने पीठ थपथपाई कि ये जो म्यूज़िक का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड जो अमेरिका में मिलता है, वो मेरे बाद तुमने ले लिया और ये बहुत मेरे लिए फख्र की बात, अब तो हमारा फैमिली अफेयर हो गया है ग्रैमी। तो वो उस समय मुझे उन्होंने बहुत बहुत प्यार किया था। अच्छा पंडित जी, कार्यक्रम की बात हो गई, कार्यक्रम से मिलने वाले आय की बात हो गई, पंडित रविशंकर जी की भी बात हो गई, लेकिन वो दौर कब आया जब आपको लोग पहचानने लगे, आप हर एक संगीत की जो महफिल होती है, संगीत के जो सुधीजन होते हैं वो आपको जानने लगे और ऑटोग्राफ लेने लगे? मेरे ख्याल से तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात सफलता मिल जाए या रातों रात आप फेमस हो जाएं। हाँ, ग्रैमी अवार्ड से ज़रूर सारे हिंदुस्तान में नाम पहुंचा कि भाई ये कोई आर्टिस्ट है जिसने अमेरिका में ये अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, तो फेम उससे बढ़ती है। लेकिन क्लासिकल का फील्ड ऐसा मैं बताऊँ आपको कि इसमें स्लो एंड स्टडी चलती रहती है, धीरे धीरे चलती है ये यात्रा, और आपका जो रिकॉग्निशन है, जो आपको जो मान्यता मिलती है वो बहुत धीरे धीरे मिलती है, एकदम से नहीं मिल जाती है कि ऐसा हो गया तो अब आपको मान्यता मिली, ऐसा नहीं है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है, आपको पद्मश्री भी मिल जाएगा तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग सर आँखों पर उठा लें, ऐसा नहीं है। आपको याद है आपने पहला ऑटोग्राफ कहाँ दिया था? पहला ऑटोग्राफ मैंने दिया था मुंबई में, मेरा जब दूसरा प्रोग्राम था तब दिया था मैंने। उस रोज़ तो आप चौंके होंगे, क्योंकि ऑटोग्राफ तो एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है हमारे समाज में, जब जिस व्यक्ति की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ जाए कि लोग चाहें कि उसकी तस्वीर अपने पास रखें या उसका 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 एक साइन ऑटोग्राफ अपने पास रखें, तो आपके पास जब कोई आया ऑटोग्राफ लेने के लिए तो आप चौंके नहीं? मैं यही बता रहा था आपको कि उस समय मुझे महसूस हुआ कि अच्छा मैं आर्टिस्ट बन गया कि अब मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब एक सुखद अनुभव हुआ कि चलिए जो मैं करता था 10 साल पहले वो अब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन, बहुत बड़ा आशीर्वाद जैसा मुझे मिला। तो आप इकट्ठा करते थे बड़े आर्टिस्टों के ऑटोग्राफ? जी, मैं भी करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपके घर तो मतलब बड़े कलाकारों का आना जाना रहा होगा, उस दौर के कौन कौन से कलाकार थे जो आते थे आपके घर? पिताजी बहुत अच्छे वो थे, उनकी नेचर बहुत मिलनसार थी, तो
मुझे याद है नारायण राव जी व्यास, पंडित राम नारायण राव जी व्यास, विनायक राव पटवर्धन जी की जुगलबंदी उस समय हुआ करती थी, वो आते थे। वायलिन के पंडित वीजी चौक साहब आया करते थे, डागर बंधु आया करते थे, और कुछ शायर हसरत जयपुरी जी और ये लोग, ये सब इनकी महफिल जमती थी शाम को हर। तो ये बड़े बड़े लोग मैंने देखे सर। कभी आपको ये मौका मिला कि आप उनके सामने अपनी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई कलाकार या कोई भी व्यक्ति आता है हमारे घर, तो हम अपने बच्चे की जो भी प्रतिभा है उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो दिखाए, तो आपको कभी ये मौका मिला कि आप इन कलाकारों के सामने अपनी कला को दिखाएं? मैं उस समय बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी को मौका मिला। पंडित जी, ग्रैमी अवार्ड पे आते हैं, ये ग्रैमी अवार्ड जब आपको मिला तो इसकी सूचना आप तक कैसे पहुंची, ये जानने में मेरी बहुत दिलचस्पी है। ये अवार्ड तो होता है फरवरी लास्ट में, लेकिन इसकी घोषणा कर देते हैं दिसंबर लास्ट में ही। तो मैं अहमदाबाद में, मेरा एक प्रोग्राम था और उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, 94 की बात है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरे लैंडलाइन पे फ़ोन आया। पहले जयपुर फ़ोन गया होगा, फिर मेरी वाइफ ने अहमदाबाद का नंबर दे दिया कि इस नंबर पे मौजूद हैं आप, वहाँ कॉल कर लीजिए। फिर वहाँ फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्डिंग के जो थे हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर कवि अलेक्जेंडर, तो वो बोले कि यू वांट टू नो ए गुड न्यूज़। मैंने कहा ओ यस प्लीज़ प्लीज़ टेल मी, पहले मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, क्या होता है ग्रैमी, कहाँ पहुँचेगा ये, क्या नहीं पहुँचेगा। वाइल रिकॉर्डिंग कभी भी ये बात सोचते नहीं है कि कोई अवार्ड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि योर एल्बम इज नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी 93। ओह माय गॉड, वाओ, मैं उछल पड़ा। और मेरी सिस्टर मंजू बहन, नंदन भाई, वो सब एकदम से बहुत खुश हो गए न्यूज़ पढ़ के। और फिर मैंने तुरंत घर कॉल किया, घर में एकदम सब लोग उछल पड़े, मदर को भी बहुत खुशी हो गई, और सभी लोग, वाइफ, दो बच्चे मेरे जो हैं सलील और सौरभ, वो असल में जानते थे कि ग्रैमी होता क्या है, क्योंकि वो माइकल जैक्सन और इनको ही मिलता है। तो इंडियन आर्टिस्ट में मुझे मिला तो उससे बहुत उनको खुशी हो गई। लेकिन उस वक्त तक आपके पिताजी दुनिया छोड़कर जा चुके थे, निश्चित तौर पर आपने बहुत मिस किया होगा उनको उस दिन। सबसे पहली चीज़ वो होते तो बहुत ही खुश होते ज़रूर। अच्छा पंडित जी, हम लोग कहते हैं कि जैसे किसी कलाकार या क्रिकेट से बात करते हैं, अगर बल्लेबाज के बैट के बीच में शॉट लग जाए तो एक पर्टिकुलर साउंड आता है और उसको लगता है कि हाँ उसका शॉट बहुत अच्छा लगा है। या एक संगीत में जब हम कहते हैं कि आज हमारा स लग गया या रे लग गया, अंदर से आवाज आती है कि सुर बहुत अच्छा लगा है। तो जब ये ग्रैमी अवार्ड की जो आप धुन जिसके लिए आपको मिला, जब वो धुन कंपोज की, तो क्या लगा था ऐसा कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका जिसका बहुत नाम होने जा रहा है या जिसको बहुत ख्याति मिलने जा रही है? वो उसमें एक जो विशेषता थी कि वो नेचुरल था। मतलब एक तो होता है कि आदमी पूरा कंपोजिशन पहले कर ले, फिर उसको लिख ले और फिर उसको रटा हुआ चीज बजा दे, एक तो ये प्रोसीजर होता है। वो मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडियन म्यूज़िक का जो एक जो फीचर है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है इसकी स्पॉन्टेनिटी। मतलब ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी काउंट करती है। तो आप जब परफॉर्म करते हैं या कुछ जो करते हैं म्यूज़िक, तो उस समय आपकी जो इमेजिनेशन है वो क्रिएटिविटी के साथ साथ चलती रहती है। Then you create new music और नए dimension में आप जाते हैं। और अगर आप पहले से लिख लेंगे या compose कर लेंगे वो बजाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा stagnated लगता है वो। जैसे एक तो होता है कि ठहरा हुआ पानी और एक होता है बहता हुआ पानी। तो music में भी मैं ऐसा ही believe करता हूँ कि ये बहता हुआ पानी की तरह होना चाहिए, इसको बांधिए मत। तो मैंने जो मेरे पार्टनर थे राय कूडर, उनको भी मैंने कह दिया था कि आई विल बी प्लेइंग माई पार्ट which I don't know, you play your part whatever you or you can write down or this will be this yeah, we can rehearse. तो वो 5 मिनट रिहर्सल की और मैंने कहा कि I am ready. बोले oh you are ready so soon? I said yes. We don't have to do so many things, writing and this and that and वो recording start हो गई। पंडित जी, एक प्रश्न तो
निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत बार पूछा गया होगा, लेकिन ये जिज्ञासा तो रहती ही है लोगों की कि आपने मोहन वीणा क्यों बनाया। नहीं, एक तो मेरी शुरू से मैंने बताया ना कि मैं एक्सपेरिमेंटल नेचर रही मेरी, थोड़ा रेबेलियन टाइप का ही था मैं, यूँ कह सकते हैं आप, क्योंकि साज भी मैंने नया लिया, उस पर भी एक्सपेरिमेंटेशन किए। तो मुझे एक ये था कि मैं कोई एक ऐसे साज बनाऊं जिसमें मतलब सितार, सरोद, वीणा, सारंगी, संतूर, इन सब की ध्वनि और उनका स्टाइल और क्लासिकल म्यूज़िक और गायकी अंग, गायकी अंग मीन्स होता है जो गायन है, वो आप इस पर बजाएं, यानी बिना तोड़े हुए। जैसे एक तो स्टैकेटो नोट्स होते हैं, ता 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 ता, ये तो हो गया स्टैकेटो, लेकिन ये हो गया मीड और गमक, ये हमारा इंडियन वे हो गया। ये चीज गायकी अंग है, ये चीज एक स्ट्रोक में निकाल दी मैंने इस साज पे, ये विशेषता है मोहन वीणा की। आवाज टूट गामा पानी सारे सारे दबा मगर ता 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 ता, ये नहीं हुआ, ये अलग हो गया, ये गायकी और तंत्रकारी में ये फर्क हो जाता है। थोड़ा मैं टेक्निकल ज्यादा हो गया, माफ कीजिएगा, लेकिन ये दोनों का अंग, दोनों समावेश होने चाहिए, तंत्रकारी अंग यानी इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल और गायकी अंग यानी गायन, तब आपका वादन, मतलब मैं मानता था कि तब पूर्ण होगा मेरा पूर्ण। तो इसमें मोहन वीणा में समावेश इन दोनों का किया। आपकी शादी की बात अगर नहीं करेंगे तो इस पूरे दिलचस्प इंटरव्यू से एक अहम चीज छूट जाएगी, तो जो आपकी जो जीवन संगिनी है, मैंने सुना है कि वो भी संगीत सीखने ही आई थी। हमारे यहाँ तो म्यूजिक है ना, तो म्यूजिक सीखने ही आई थी वो सबसे पहले, और म्यूजिक सीखते सीखते पसंद करने लगे हम दोनों एक दूसरे को। फिर हमने कहा कि माँ बाप से बात की, मेरे माँ बाप से, तो मेरे माँ बाप को तो पसंद थी लड़की, फिर इस तरह से वो शादी हुई। तो कहीं कोई रोक भी थी कि नहीं 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 करना है, या बिल्कुल स्मूथली सब हो गया? मेरे घर से कोई रोक नहीं थी। हाँ। उधर से थोड़ी सी थी। अच्छा। क्योंकि मैं कमाता नहीं था उस टाइम, और गाना यानी गाने बजाने वाले जो, मतलब अब हम लोग सोफिस्टिकेटेड वे में बोलते हैं म्यूजिशियन, लेकिन एक आम आदमी क्या बोलता है कि गाने बजाने में कमाएगा क्या, यू नो तो उस तरह का अप्रोच था उन लोगों का, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो गया, मान गए। तो फिर जब आपका नाम धीरे 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 पूरी दुनिया को चला कि क्या क्या है, कहाँ, मतलब हम लोग कहाँ शक कर रहे थे, अब पता चल गया उनको। तो बाद में जब आप अपने इन-लॉज से मिले तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि उनसे कोई गलती हो गई थी? ऐसा नहीं, वो अपने अंदर ही है जो भी कुछ है, अंदर ही है जो भी कुछ है। पंडित जी, आपकी अगली पीढ़ी यानी आपके दोनों बच्चे भी संगीत में ही हैं? मेरे दो पुत्र हैं, सलिल ने थोड़ा सा मोहन वीणा में थोड़ा सा बदलाव किया, वो नेक जो है इसमें जॉइंट वो हटा दिया और वन पीस ऑफ वुड पूरा ले लिया उसने, तो उसमें जॉइंट नहीं है उसके सात्विक वीणा में, ये फ़र्क हो गया मोहन वीणा और सात्विक वीणा में कि मेरे जॉइंट है बीच में, फिंगर बोर्ड और बॉडी, और उसका एक ही पीस ऑफ वुड। तो ये क्या, ये जिसको बेपर्द साज कहते हैं वैसा कुछ हो गया? नहीं नहीं नहीं, इसको मतलब क्या हुआ कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रैवलिंग में जाता है, तो मिसहैंडलिंग किया था एक बार मेरा साज और उसका नेक टूट गया था। मेरा प्रोग्राम था मॉन्ट्रियल में, तो मैं थोड़ा परेशान था, वहाँ से मैंने कॉल किया, देखो जब मैंने साज खोला तो ये टूटा हुआ सा दिखा मेरे को, तो खैर मैंने उसको रिपेयर करा के मैंने दूसरे दिन किसी तरह से प्रोग्राम बजा दिया, लेकिन सलील के मन में ये आ गया कि ये इसकी जड़ से इसको ख़त्म करूँ, और उसने वो वहाँ जाके ऐसा डिज़ाइन किया कि एक पीस पूरा ही लकड़ी का ले लिया, जिससे आप उसको पटक भी दो, ये लोग जैसे जोर से फेंकते हैं तो उस पर जर्क से वो जॉइंट ही नहीं होगा। पंडित जी, वो किस्सा क्या है जब आपने अपना इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजियम को दे दिया और बाद में बच्चे बहुत नाराज हो गए? जी, उससे पहले मैं आपको अपने छोटे पुत्र के बारे में भी बताना चाहता हूँ, उसका नाम है सौरभ, वो भी मोहन वीणा बजा रहा है,
अभी HMV से उसका एक एल्बम भी निकला है और वो कंपोजर भी है, म्यूजिक कंपोज करता है। मेरे जो प्रोजेक्ट हुए, म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, म्यूजिक फॉर सोल, सेलिब्रेशंस ऑफ लव, मेघदूतम, ये सारे जो है, मीरा अभी जो है हुआ है, वो सारे उसी ने सब किए हैं। उसमें म्यूजिक डायरेक्शन उसका ही है, म्यूजिक कंपोजिशन उसने किए, बजाया मैंने तो वो, और साउंड इंजीनियर भी है वो। तो ये है, तो अभी वो सरल की बात करते हैं जिसमें आपने वो कहा कि हाँ, मैं क्या है कि एक नागालैंड में मैं वहाँ की जो एक सोसाइटी है उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, तो मैं वो प्रोग्राम करते हैं, मैं उसमें जाता हूँ जिसमें वो नागा म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं पूरे हर जगह जा जा के। अभी 5-6 कंट्रीज़ में हम गए हैं नागा म्यूज़िक को लेके, और मुझे वो बहुत पसंद करते हैं। मैं वहाँ का स्टेट गेस्ट होता हूँ और राजभवन में रुकता हूँ जब भी जाता हूँ जब वहाँ पे, तो वो बहुत मोहब्बत रखते हैं मेरे से। उनकी एक सोसाइटी का एक म्यूज़ियम है उनका खुद का, और म्यूज़ियम में उन्होंने विभिन्न साज रखे हुए हैं, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, तो मैंने ऐसे ही वो उसमें आवेश में आके इमोशन के, और मैंने अपना वो जिसमें मुझे जो मेरे साथ 28 साल था साज, वो मैंने उनको डोनेट कर दिया। अब ऐसा वो मेरी इस कदम को मेरे घर वालों ने पसंद नहीं किया, खासकर सलील ने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, वो हमारी धरोहर है, उसको हम लोग जरा सहेज के रखेंगे, वो आपकी याद हम रखना चाहते हैं अपने साथ में, वहाँ क्या म्यूज़ियम में तो पड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू यहाँ होगी हमारे पास में जब हम उसको रोज़ देखेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे कि देखिए इस साज ने विश्व में ये प्रसिद्धि दिलाई है। तो इस तरह से फिर मैंने उसको किस तरह से वापस लिया और उनको दूसरा मोहन वीणा बना के गिफ्ट आइटम दिया मैंने। पंडित जी, कोई एक ऐसी तारीफ किसी कंसर्ट के बाद, किसी कॉन्सर्ट के बाद या कहीं पर भी जो आपको कभी भी नहीं भूलेगी? मैं आपको बताऊं, ऐसे तो बहुत लोग सब अपनी अपनी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन मैं एक अमेरिका में एक लेडी थी, 80 साल की उम्र थी उनकी, 80, और उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुन के, फिर मैं थोड़ा मिलने आता हूँ सबसे, थोड़ा सा जो मेरे से मिलना चाहते हैं, फोटोग्राफ ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं उनसे मैं मिलता हूँ। तो वो 80 साल की जो लेडी थी वो भी थी, और वो इतना, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अलग थी, अजीब, मतलब बहुत ऑरा था उनका, और वो बोली कि आई हैव नॉट सीन गॉड बट टुडे आई फेल्ट दैट देयर इज सम गॉड इन योर म्यूजिक एंड यू वर प्लेइंग लाइक योर जीसस क्राइस्ट। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा ऐसी तारीफ मुझे आज तक किसी ने नहीं दी होगी। किसी परफॉर्मेंस के दौरान आप कभी रोए हैं पंडित जी? अच्छी, बिल्कुल। क्या था वो वाक्य? तो देखिए, वाक्य कुछ भी हो सकता है। तो एक वाक्य तो जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2005 में, उसके बाद में जब मैंने प्रोग्राम वापस शुरू जब किए, तब मुझे एक बार रोना जरूर आता था कुछ साल तक, फिर धीरे धीरे फेड हुआ, अभी भी आती है। और एक मैं अपने गुरुजी की याद में एक प्रोग्राम बजा रहा था गुरुजी के सेंटर में, जो उनका रिम्पा है, रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, वो मैं बजा रहा था, वहाँ पर मुझे एक बार रोना जरूर आया था, सुकन्या जी सामने बैठी। आपने दुनिया के हर बड़े देश में आपके कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कार्यक्रम किसी देश में जो आपको कभी ना भूलता हो? एरिक क्लैप्टन, जो बहुत फेमस सिंगर और गिटार प्लेयर हैं, अमेरिका में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था डेलस शहर में, टेक्सास में, उसमें करीब 60,000 लोग थे और बड़े बड़े स्टार्स थे वहाँ पे, मतलब बीबी किंग, एरिक क्लैप्टन, स्टीव वाई, और जो बहुत फेमस लोग हैं वो सब वहाँ पे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 12 मिनट आपके लिए, अब उस 12 मिनट में मुझे सब कुछ दिखा देना था, मतलब 12 मिनट में मुझे अपना
अपनी साधना और जो मेरी तपस्या इतने सालों की है वो सब दिखा देनी थी। खैर लिहाजा वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत उसको अप्रिशिएट किया लोगों ने, सब ने बहुत पसंद किया। आपने फिल्म म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन काम किया है पंडित जी, उसका तजुर्बा कैसा रहा? ज़्यादातर क्लासिकल उसमें डिवोटेड हैं, लेकिन एक पिक्चर आई थी बवंडर, उसमें किया था मैंने अपने पुत्र सौरभ के साथ मिलके। और मुझे AR रहमान बुलाते हैं कभी कभी, लगान मूवी के लिए बुलाया, साथिया के लिए बुलाया, और एक इरूवर करके आई थी और थिरुड़ा थिरुड़ा, इसके बाद में विशाल भारद्वाज जी ने इश्किया, डेढ़ इश्किया और सात खून माफ, इनके लिए मुझे बुलाया, भप्पी लहरी जी ने बुलाया, तो किया मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन वो उतना नहीं किया जितना मतलब एक मेन तो क्लासिकल का ही रहता है वो लाइट का। लेकिन दिलचस्प बात मेरे लिए ये जानना है कि जो आपने एक लगान का बताया जी, और दूसरा इश्किया और डेढ़ इश्किया, इसके हाँ। इसके कैसे कैसे फ़ोन किया, कैसे आपसे संपर्क किया इन लोगों ने, फिर कैसे वो बनी चीज़ें? तो बस वो AR रहमान जी का सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि भाई रहमान जी वांट्स यू, तो डेट वेट सब फिक्स की और फिर फ्लाइट का टिकट विकेट भेजा उन्होंने, वहाँ पर जाके फिर मिले हम। तो मणिरत्नम जी की फिल्म थी वो एक पहले ही सबसे पहले, तो मणिरत्नम जी भी बैठे हुए थे वहाँ पर और AR रहमान बहुत खुश हुए, बोले कि आई एम सो हैप्पी टू हैव ए ग्रैमी अवार्ड विनर विद मी। और फिर उन्होंने अपने कहा आप कीजिए इसमें, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जैसे कलाकार को मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, यू फील एंड यू प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐसे ही काम होते हैं हमारे जनरली। और विशाल ने क्या कहा, कि विशाल भी अपनी फिल्म के म्यूजिक को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं? विशाल जी ने भी कहा कि साहब आपसे तो कुछ बोलना ही नहीं, ये है गाना, ये है, आप अपना जितना मर्जी है जैसा कुछ भी करना है। तो मैंने अपना खुद ही अपना कंपोज किया, खुद ही बजा दिया, फिर उसको बाद में उन्होंने उसको ऐड अप कर दिया, ऐसा ही प्रोसीजर रखते हैं। पंडित जी कभी कभी इस तरह से सोचा है कि क्या कुछ करना अभी बाकी रह गया है? देखिए हर आदमी हर कलाकार कि ज़िंदगी में एम्बिशंस होती हैं, लेकिन मैंने एम्बिशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। न तो मुझे ग्रैमी से कोई ये हो गया कि अरे बस न अभी 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 पद्मभूषण मिल गया मुझे, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते, मतलब कहने का मतलब तो ऐसा कुछ मुझे वो इच्छा नहीं है कि वो मिल जाए, बस मुझे सिर्फ शास्त्रीय संगीत हमारे युवाओं तक पहुँच जाए और वो उसको अपनाना शुरू करें, ये मेरा स्वप्न है, जरूर है। और सबसे बड़ा शायद कोई पुरस्कार है तो वो दर्शकों का, श्रोताओं का प्यार, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बस वो प्यार मिल जाना चाहिए और इज्जत मिल जानी चाहिए, लोग आपके आके पांव छूते हैं हमारे, बस वहीं अवार्ड सारे मिल जाते हैं। पंडित जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।